जो काम चीन के पड़ोस में रहते हुए भारत को करना था वह भारत का कोई नेता नहीं कर सका, मगर हजारों मील दूर रहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज हांगकांग में हीरो बन गए हैं। हजारों युवा और बुजुर्ग लोगों के हाथ में थमे थैंक यू प्रेसिडेंट के प्ले कार्ड हांगकांग की सड़कों पर छा गए। खास बात यह है कि एक बड़े बैनर पर लिखा हुआ था, राष्ट्रपति ट्रंप कृपया हांगकांग की स्वतंत्रता के लिए आगे आए। भारत की कूटनीति जहां दुनिया में श्रेष्ठ मानी जाती है, वहीं आज भी इसमें चीन के प्रति उदार रवैया है। चीन के मामले में भारत सरकार अभी तक ज्यादा तेज तरार होने का प्रमाण नहीं दे पाई है। यह तब है जबकि चीन खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने में उसने पाकिस्तान की पूरी मदद की, मगर इसके बावजूद हांगकांग और उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर भारत सरकार का बोल नहीं फूटा। सवाल यही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन की कार्यशैली उजागर करने पर भारत तालियां बजाता है तो उसकी जीभ में कंपन क्यों नहीं होता? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी या अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर चू तक नहीं करते। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में अल्पसंख्यकों के रहनुमा बनने वाले नेता तक चीनी उइगर मुसलमानों पर कोई बयान तक नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार हांगकांग में नायक बन रहे हैं, वह रुतबा मोदी सरकार को भी हासिल हो सकता था। बड़ी बात यह है कि अगर मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सुरों में सुर ही मिला देती तो उल्टे चीन पर ही दबाव बनाया जा सकता था। यह कश्मीर मुद्दे पर चीन की हठधर्मिता का बढ़िया बदला भी होता, लेकिन सरकार की खामोशी से यह मौका हाथ से निकल गया और भारत सहिष्णु होने के साथ अनसुना भी बन गया। पिछले हफ्ते जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र कानून पर दस्तखत किए तो हांगकांग में चीन विरोधी लोकतंत्र समर्थकों में खुशी की लहर तोड़ गई। यह कानून चीन की नाक में दम करने वाला है। यह कानून हांगकांग पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के साधनों मसलन आंसू गैस, पेपर स्प्रे, रबर की गोलियां, स्टैंडगन आदि निर्यात किए जाने पर पाबंदी लगाता है। यदि इसके बावजूद भी चीन ऐसा करता है तो उसे अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की विदेश नीति में भारत उसके लिए एक खास देश है। अमेरिका चीन से खार खाए हुए है, इसके लिए वह भारत को आगे बढ़ा रहा है। पिछले वर्ष ईरान से तेल आयात के लिए जो अतिरिक्त 6 महीने दिए गए थे वह भारत और जापान की वजह से संभव हो पाया था, लेकिन अमेरिका को मजबूरी में चीन को भी इसमें शामिल करना पड़ा। रूस से S-400 के लिए भारत द्वारा किए गए समझौते के बाद भी अमेरिका ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, जबकि दुनिया में ऐसी चर्चा थी कि अमेरिका किसी भी वक्त भारत को प्रतिबंधों के दायरे में ला सकता है। कश्मीर मुद्दे पर यदि अमेरिका का साथ नहीं होता तो आज भारत अलग थलग खड़ा होता, मगर यहां तालियां बजाने की बजाय जब अमेरिका पड़ोसी चीन पर सख्ती करता है तो भारत पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तत्कालिक नहीं होकर भविष्य के आधार पर तैयार होती है, लेकिन राय इसमें भी भिन्न नहीं होनी चाहिए कि चीन भूत से लेकर भविष्य तक भारत के लिए एक जोखिम है। इस देश का कमजोर, खंडित और दरिद्र होना भारत के हित में है, क्योंकि बड़ी रेखा के पास और बड़ी रेखा खींचने से पहली रेखा छोटी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भारत चीनी कंपनियों को धनवान बना रहा है, जबकि अमेरिका उसकी हुआई जैसी कंपनियों को लात मारकर भगा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी का बादशाह अमेरिका है, ना कि चीन। वैसे भी चीन भारत को कोई टेक्नोलॉजी देगा इसकी उम्मीद कदापि नहीं रखनी चाहिए। चीन की टेक्नोलॉजी या तो विकसित देशों से चोरी की हुई है या फिर वह उनकी नकल है। फिर चीन से भारत का मोहपास समझ से परे है। मोदी सरकार चाहे तो आर्थिक प्रतिबंधों की आड़ में चीन को कई मोर्चे पर झुकने पर मजबूर कर सकती है। अमेरिका से ट्रेड वार के चलते उसे दिन में तारे नजर आ रहे हैं। भारत भी ऐसा कोई कदम उठा दे तो वे तारे उसके लिए अंगारे बन सकते हैं, जिससे चीन का झुलसना तय है। यूं भी भारत का निर्यात घाटा बहुत हद तक बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि चीन को पराजित करने का वास्तविक तरीका उसे आर्थिक मोर्चे पर चोट देना है। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर जब चीन की पैंतरेबाजी के दौरान भारत ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाया तो अब क्या लेगा? पंचशील सिद्धांत के नक्कारखाने यहां आज भी मौजूद हैं।
जो ढोल की ताप पर उछल कर तो दिखा ही देते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।